हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शोमो। तो इस पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा कि द पावर ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क मार्केटिंग करने से हम लोग क्या से क्या बन सकते हैं, कहां से कहां पहुंचा देता है, आम आदमी को एक खास आदमी कैसे बनाता है ये नेटवर्क मार्केटिंग, और नेटवर्क मार्केटिंग करके आप अपने लाइफ का सारे ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं, आप लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज से लाइफ ऑफ चॉइस में पहुंच सकते हैं। तो वो कैसे होता है, तो जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में दिखाया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग सिस्टम का डिफरेंस कैसे इनकम आता है। सेकेंड पार्ट में मैंने दिखाया था कि आपको जो वो कमीशन लेवल है और जो नया कोर प्लस प्लान लॉन्च हुआ है उसके बारे में, वो अगर आप नहीं देखें तो उसको भी आप देख लीजिए। और इस पार्ट में मैं नेटवर्क का पावर को समझाऊंगा विथ एग्जाम्पल। तो मैं ये टोटल वीडियो को बोर्ड में दिखाऊंगा, बोर्ड में समझाऊंगा, तो इसको आप स्किप ना करके पूरे वीडियो को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि इसको अगर आप समझ गए, इसको आप किसी को शेयर कर लिए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कोई नहीं बोलेगा कि मुझे नेटवर्क नहीं करना है, नेटवर्क मार्केटिंग से मुझे ज्वाइन नहीं करना है। तो इसको आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए टीम में और नए के साथ भी ज्वाइन करने के लिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, वीडियो को जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में जितना भी इस टाइप का वीडियो बनाऊंगा बिजनेस रिलेटेड, सबसे पहले आप ही को पहुंचेगा। तो चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट बोर्ड पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में। हम लोग को ये मालूम ही नहीं होता है कि नेटवर्क कितना पावरफुल होता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं, या हम लोग को भी कहता है सभी बहुत लोग कि नेटवर्क नहीं करना है, नेटवर्क बिजनेस में ज्वाइन नहीं करना है, नेटवर्क हमसे नहीं होगा। लेकिन हम लोग को मालूम ही नहीं है कि हम लोग का रेगुलर जो हम लोग दिन में जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं या जो भी काम करते हैं उसमें सभी तरह से हम लोग नेटवर्क से ही जुड़े हुए हैं। तो हम अभी दिखाएंगे कि पावर ऑफ नेटवर्क, और ये जो टोटल मैंने यहाँ पे लिखा है ये अगर आप एक बार देख लीजिएगा तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि नेटवर्क बिजनेस में आपका एफर्ट डबल हो जाएगा और आप किसी को भी ज्वाइन करा सकते हैं। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है नेटवर्क बिजनेस में, नेटवर्क बिजनेस से मिलता है क्या, नहीं, यू गेट टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। ये तीनों चीज आपको एक साथ पैकेज मिलता है, मल्टीप्लाई पैकेज ऑफ टाइम, मनी एंड सिक्योरिटी। ये तीनों चीज एक साथ मिलता है जो किसी भी और दूसरे बिजनेस या सेक्टर में नहीं मिलता है। तो वो कैसे मिलता है ये अभी आप लोग को मैं दिखाऊंगा। एक मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि जितना बड़े बड़े बिजनेस होता है उन लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास ये सब होता है। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे टाटा का, ये और किसी भी बिजनेस में हो सकता है, ये बिरला हो सकता है, रिलायंस, जिंदल, केएफसी, मैकडोनाल्ड, अमेजोन, सभी नेटवर्क बिजनेस से ही जुड़े हुए हैं और सभी का बिजनेस नेटवर्क से ही चलता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया टाटा का। तो टाटा ने क्या किया, टाटा स्टील से बिजनेस स्टार्ट किया। तो टाटा स्टील बहुत बढ़िया स्टील है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी स्टील है, उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसका मन में आया कि अगर किसी कंपनी ने टाटा से बेहतर स्टील बना लिया तो टाटा स्टील का बिजनेस डाउन हो सकता है, इनसिक्योरिटी फीलिंग आया उसका। उसके बाद टाटा ने क्या किया, वेरियस टाइप ऑफ सेक्टर ओपन करने लगा, जैसे कि है कि टाटा मोटर, टाटा सॉल्ट है, टाटा का वॉच है, टाटा स्काई डिश है, टाटा का इंश्योरेंस सेक्टर है, टाटा का हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटलिटी सेंटर है, टाटा का होटल है, टाटा का फिनेंस डिपार्टमेंट है, टाटा का टेलीकॉम है, टाटा का आईटी सेक्टर टीसीएस है, टाटा का इलेक्ट्रॉनिक सामान है, टाटा का पावर सप्लाई है, टाटा का ग्लोसरी है, टाटा केमिकल है, और भी बहुत सारी चीज़ है, सब यहाँ पर लिखना मुमकिन नहीं है। तो इसमें से क्या होता है कि मानिए अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई प्रोडक्ट कैटेगरी में अगर बिजनेस डाउन भी हुआ तो सब एक साथ डाउन नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, बिजनेस में सिक्योरिटी मिलता है। सेम तरीका से आज बिरला बोलिए, रिलायंस बोलिए, सभी ने क्या किया, मल्टीप्लाई सेक्टर खोला, ओपन किया है सिक्योरिटी के लिए। तो इससे क्या होता है, मानिए टाटा का कोई भी सेक्टर में, टाटा का आईटी सेक्टर टीसीएस को हम पकड़ रहे हैं कि टीसीएस में मानिए 1 लाख आदमी काम करता है। तो क्या होता है, वो 1 लाख आदमी जो रेगुलर काम करता है वो रेगुलर 1 लाख आदमी से 9 आवर अर्न करता है। तो क्या होता है, सिर्फ टीसीएस से ही 9 लाख आवर पर डे अर्निंग होता है। तो हमने क्या जाना है कि टाइम इज मनी, जितना टाइम दे सकेंगे उतना आपका अर्निंग आएगा। तो क्या करता है, तो एक सेक्टर से अगर इतना 9 लाख आवर अगर आता है तो मानिए टाटा का कितना सेक्टर है, वहाँ पे कितना लोग काम करते हैं टाटा के लिए, हाँ नौकरी करते हैं, तो वहाँ से कितना उसको टाइम अर्निंग होता है। तो जितना टाइम आएगा उतना सिक्योरिटी बढ़ेगा, उतना मनी भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस मल्टीप्लाई होता है,
सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस मतलब मैंने जो बोला है कि वेरियस टाइप ऑफ सेक्टर है, वेरियस टाइप ऑफ सेक्टर से है, वेरियस कंपनी से उसका इनकम आता है जो कि है 100% सिक्योर, क्योंकि सब एक साथ डाउन नहीं हो सकता है। तो सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस मल्टीप्लाई हुआ है। सिक्योरिटी ऑफ टाइम मैंने अभी बोला कि वो टाटा का एक दिन करीब के कितना लाख घंटा से मतलब होता है ख़त्म, वो मुझे भी नहीं मालूम। हाँ, तो सिक्योरिटी ऑफ टाइम ह्यूज है, सिक्योरिटी ऑफ मनी भी ह्यूज है, क्योंकि जितना आपका सेक्टर रहेगा, जितना आपके साथ जुड़े रहेंगे आपके बिजनेस में, उतना ही आपका इनकम आएगा। हाँ, सपोज़ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि TCS में कोई अगर जॉब करता है तो उसको अगर सैलरी 50,000 होगा तो उसके ऊपर से कंपनी 80,000 से 1,00,000 उसके ऊपर से कमाएगा, फिर उसको 50,000 सैलरी देगा, बाकी वो कंपनी प्रॉफिट रखेगा। तो मानिए एक आदमी से अगर इतना प्रॉफिट लेता है तो इतना लाखों लाखों लोग से कितना प्रॉफिट ले रहा है और उसका कितना अर्निंग हो रहा है, टाइम मनी सिक्योरिटी सब कुछ मिल रहा है। फिर क्या आता है, इनकम रिस्क। इनकम रिस्क यहाँ पे जीरो है, क्योंकि इसको इनकम करने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं होता होना पड़ता है और पर्सनल एफर्ट भी नहीं देना पड़ता है। हाँ, इनकम डिपेंड्स ऑन पर्सनल एफर्ट यहाँ पे नहीं है, क्योंकि टाटा के जो रतन टाटा है उसके मालिक, हाँ, तो वो मान लीजिए अगर 2 महीने के लिए वर्ल्ड टूर पे भी चले गए तो उसका बिजनेस एज इट इज सेम रहेगा, क्योंकि उसके बिजनेस उसके ऊपर, उसके पर्सनल एफर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ओके, तो उसके जो बिजनेस में जो इतने सारे लोग हैं वो उसके बिजनेस को संभाल रहे हैं, तो उसका इनकम सेम आएगा। इसके बाद आता है क्या, वेल्थ। वेल्थ भी यहाँ पे 100% है। वेल्थ मतलब क्या है, जे मेरा इनकम, मैं अगर ना कर सकूँ काम तो मेरा इनकम कितना दिन तक आएगा, उसको बोलते हैं वेल्थ। तो इन लोगों के पास वेल्थ भी 100% होता है, वो अगर 6 महीना भी काम नहीं करेगा तो उसका इनकम आता ही रहेगा। और नेक्स्ट है क्या, लेजेसी। इस बिजनेस में लेजेसी क्रिएशन होता है, क्योंकि जितने भी आप टाटा बोलिए, बिरला बोलिए, हाँ, ये सब बिजनेस में क्या होता है, नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस को पकड़ता है एवं ऐसे चलते रहता है, लेजेसी बिजनेस होता है। तो ये सब क्या हम अभी कर सकते हैं, हमारे पास क्या करोड़ों रुपए हैं कि हम ऐसे बिजनेस को ओपन कर ले और उसको हम संभाल भी सकें। ओपन करना ही बात नहीं है, उसको संभाल के बिजनेस को चलाना सबसे बड़ा बात है। तो ये हम लोग के पास नहीं होता है। तो हम लोग क्या ये सब जो यहाँ पे दिखाया है मैंने, ये सब क्या पा सकते हैं? मैं बोलूँगा हाँ पा सकते हैं 100%। कैसे पा सकते हैं? नेटवर्क बिजनेस से ही पा सकते हैं, और कुछ से नहीं पा सकते। ये कैसे होता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे टाटा एक इंडस्ट्री है, तो आपका बिजनेस में आप हो गए एक इंडस्ट्री, तो आपने यहाँ पे ज्वाइन किया है, उसके बाद आप बिजनेस को दिखाएंगे सबको, बिजनेस का कॉन्सेप्ट को शेयर करेंगे, बिजनेस ये कैसे होता है, इनकम कैसे कहाँ से आता है और किन पिन में क्या इनकम है, टोटल सब कुछ मैंने वो पहले वीडियो में सब कुछ दिखा हुआ है। आप वो वीडियो अगर देख लेंगे तो आपको वो कॉन्सेप्ट भी टोटल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आप जब शेयर करते हैं तो आपके साथ लोग ज्वाइन करते हैं, तो जब ज्वाइन करते हैं उसके साथ भी लोग ज्वाइन करते हैं, ऐसे क्या होता है, टीम बनता है। तो मानिए यहाँ पे मैंने दिया हूँ कि मेरा टीम है कोलकाता में, फिर मैंने नेक्स्ट टीम मेरा ज्वाइनिंग हुआ दिल्ली में, मुंबई में, चेन्नई, बेंगलोर, पुणे, राजस्थान, गुवाहाटी, हैदराबाद, पंजाब, भाईजैग, मालदा, अब कहीं पे भी आप पकड़ लीजिए, बिहार, कहीं पे भी आप पकड़ लीजिए। मैंने यहाँ पे ये बड़े बड़े जगह का नाम लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि बड़े बड़े जगह में ही बिजनेस करना है। आप आपके शहर में, आपके गांव में, आपके स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आप जहाँ भी हो, आपको जो जान पहचान के लोग हैं उनसे आप ये बिजनेस शेयर कर सकते हैं, एवं और इस उसको भी ये बिजनेस करके वहाँ से भी वो बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसके साथ साथ आपका भी बिजनेस बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिक्योरिटी ऑफ बिजनेस जैसे मैंने यहाँ पे देखा था मल्टीपल हो गया, यहाँ पे भी मल्टीपल हो गया, क्योंकि आपके एक टीम या एक आदमी के ऊपर, आपके ऊपर बिजनेस डिपेंडेबल नहीं है, आपके मल्टीपल साइड हो गया, आपके मल्टीपल टीम हो गया, तो आपके बिजनेस 100% सिक्योर में आ गया। उसके बाद क्या हो गया, सिक्योरिटी ऑफ टाइम, टाइम भी आपका आ रहा है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक चीज़ दिखाया है, यहाँ पे गौर कीजिएगा कि टाइम इज मनी। मैं पहले बोलता हूँ कि आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आप अगर मिनिमम 1 घंटा मतलब 1 आवर पर डे अगर इस बिजनेस में देते हैं, हाँ मैंने फुल टाइम छोड़ ही दिया, फुल टाइम कर सकते तो वो तो और भी बेटर है, लेकिन आप अगर 1 घंटा भी देते हैं तो आपका पहले जब आप अकेले हैं आपका काम होता है 1 आवर पर डे। नेक्स्ट आपके साथ अगर मान लीजिए 10 आदमी जब ज्वाइन हो गया, तो 10 आदमी ज्वाइन होने के बाद आपका कितना काम होता है, 10 आदमी भी अगर 1 घंटा करके देगा तो कितना हो गया, 10, 10+ you 11 आवर पर डे। सेम जब 50 आदमी होगा 51 आवर पर डे, 100 आदमी 101 आवर पर डे, अगर 500 होता है तो 501 आवर पर डे, 1000 होता है 1001 आवर पर डे। तो आप देख लीजिए कि आप 1 ही घंटा दे रहे हैं, लेकिन आपका अगर टीम हो गया तो आपका 1000 घंटे में भी दिन खत्म हो सकता है, ये 1,00,000 घंटे में भी जा सकता है।
तो यहाँ पे क्या हो गया, जो आपका टाइम मनी सब कुछ यहाँ पे मल्टीप्लाई होते रहता है आपके साथ जितना भी ज्वाइन हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका जो इनकम रिस्क है ये भी आपका यहाँ पे जीरो है, क्योंकि आपका सिंगल एफर्ट के ऊपर डिपेंडेबल नहीं है आपका इनकम, आपके इनकम बहुत लोगों के ऊपर डिपेंडेबल है, सब मिल के यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। और ये जो नेटवर्क बिजनेस द ओनली बिजनेस इन द अर्थ, एक ही बिजनेस है जिस बिजनेस में आप किसी को इनकम करवा के आपका इनकम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक ही बात है कि आप हेल्प करो, आप पीपल को हेल्प करो, आप जितना हेल्प कर पाएंगे, आप जितना उन लोगों को इनकम दे पाएंगे, जितना आप डाउनलाइन को पिन अचीवमेंट कराएंगे उतना आपका पिन बढ़ेगा, उतना आपका इनकम होगा। तो क्या है, दूसरों के घर में इनकम घुसा के हम लोग के यहाँ पे इनकम आता है। तो मुझे लगता है कि ये एकदम होली प्रोफेशन है, बेस्ट बिजनेस है। तो यहाँ पे क्या होता है जो आपका इनकम भी वैसे ही बढ़ सकता है। तो इनकम डिपेंड ऑन पर्सनल एफर्ट यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि आप तो अकेले काम नहीं कर रहे हैं, आपका टोटल टीम काम कर रहा है। आपका अगर कुछ हो भी गया तो आपका टीम काम करेगा, आपका इनकम आता रहेगा। हाँ, और ये तो जो आप मतलब कोई भी प्रॉब्लम हुआ, हाँ बीमार पड़ गए तो आपका इनकम क्या होता है आते रहता है, क्योंकि होल टीम एक साथ बीमार नहीं हो सकता है या प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेल्थ क्रिएशन होता है। वेल्थ क्रिएशन मतलब कि मैं काम नहीं करूँ तो भी मेरा इनकम आता रहे, ये चीज़ होता है। ये एक दो महीने पे आपका नहीं होगा, ये धीरे धीरे जब आपका टीम में जितना लोग बढ़ेगा तब उतना ही आपका वेल्थ क्रिएशन होगा। हाँ, उसके बाद आता है कि लेजेसी। हाँ, इस बिजनेस में भी लेजेसी है, ये 7 जनरेशन ट्रांसफरेबल बिजनेस है। आपका नेक्स्ट जनरेशन, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन, ऐसे करके 7 जनरेशन तक बिजनेस ट्रांसफर होता है। वो लोग अगर बिजनेस को ठीक से करते हैं जान के, तो 7 जनरेशन तक आपको यहाँ पे इनकम आता है। अभी देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉजिटिव पार्ट लिखा है जो ये बिजनेस में नहीं मिलता है। ये बिजनेस इतना बढ़िया बिजनेस है फिर भी यहाँ पे कुछ रिस्क और फैक्टर होता है जो कि यहाँ पे नहीं मिलता है, वो यहाँ पे मिलता है। वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट। आप कोई भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो छोटा हो बड़ा हो, आपको एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट आप आकर करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। उसके बाद क्या, रिस्क। आप इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करते तो यहाँ पे रिस्क भी जीरो है, यहाँ पे रिस्क 100% है, और रिस्क लेके ही सब बिजनेस स्टार्ट होता है। और क्या है, यहाँ पे लॉस भी नहीं है। आप अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो आपका तो लॉस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, यहाँ पे आपका 100% लॉस होता है। और जितना बड़ा कंपनी है सभी पहले लॉस फेस करके ही फिर वो प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल भी यहाँ पे नहीं लगता है। यहाँ पे कैपिटल का एक बात होता है। हाँ, यहाँ पे क्या है कि हेडेक, आपका जो जितना बिजनेस जैसा है, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना आपका हेडेक होगा। छोटा बड़ा सब बिजनेस में आपका वेरियस टाइप ऑफ हेडेक होता है जो कि यहाँ पे नहीं होता है, यहाँ पे टोटल कंपनी हैंडल करता है। लीगल वर्क, ये किसी भी बिजनेस में बहुत एक जरूरी चीज़ है लीगल वर्क। इसको करने के लिए भी बहुत हैरेसमेंट होना पड़ता है जो कि यहाँ पे कंपनी करता है, आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। टैक्स पेमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब भी इस बिजनेस में रहता है जो नेटवर्क बिजनेस में कंपनी हैंडल करता है। पेपर वर्क, ये यहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है पेपर वर्क में, जो ये नेटवर्क बिजनेस में आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, टोटल कंपनी हैंडल करता है। और लास्ट ऑफ ऑल क्या, प्रोडक्ट डैमेज, जो कि जो किसी भी बिजनेस में आपका प्रोडक्ट डैमेज लॉस ये सब होते रहता है, लेकिन ये बिजनेस में नहीं होता है क्योंकि ये टोटल सब कंपनी बियर करता है। तो आप ये सब चीज़ पा सकते हैं विदाउट एनी रिस्क और नेगेटिव पार्ट। आप यहाँ पे देखिए कि इतना सब कुछ आपको कुछ भी मतलब आप टोटल सब कुछ वो कंपनी के ही हेडर है, आपको कुछ इस सब के बारे में सोचना ही नहीं है जो कि यहाँ पे सोचना पड़ता है, करना पड़ता है। नेक्स्ट हम दिखाएंगे कि जो एक फेमस इकोनॉमिक है और राइटर है जो रॉबर्ट कियोसाकी, उसने दिखाया है कि उसका जो बुक में वो दिखा है कि अगर वर्ल्ड में, ये मान लीजिए एक अगर ये वर्ल्ड है, वर्ल्ड में 4 क्वाड्रेंट होता है, चार क्वाड्रेंट होता है, जिसमें एक आता है कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में 2 आता है और राइट क्वाड्रेंट में 2 आता है। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में कौन रहता है, लेफ्ट क्वाड्रेंट में सबसे ज़्यादा रहता है एवं वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में रहता है, एम्प्लॉई मतलब जो नौकरी करता है, जॉब ओरिएंटेड पीपल। और क्या रहता है, सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लोग क्या करता है, दूसरों के लिए काम करता है, और सेल्फ एम्प्लॉय लोग क्या है, खुद के लिए काम करता है। लेकिन इन दोनों के पास ही क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम रहता है, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा मैक्सिमम, उसके ज़्यादा देने नहीं सकते हैं, और एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। और राइट क्वाड्रेंट में कौन कौन है, बिग बिजनेसमैन, जैसे मैंने अभी दिखाया टाटा बिरला अंबानी, वो लोग होता है क्या क्या बिग बिजनेसमैन। और क्या रहता है, इन्वेस्टर, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जैसे वॉरेन बफेट है वर्ल्ड में फेमस इन्वेस्टर। तो ये लोग क्या करते हैं, ये पैसा देके ही पैसा का इंटरेस्ट देके मतलब पैसा देके ही पैसा कमाता है। तो
बड़े बिजनेसमैन भी इन फ्यूचर इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो अभी एक चीज मैं दिखा रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा ठीक से, कि लेफ्ट क्वाड्रेंट में दुनिया का 95% पीपल रहता है, 95% पीपल, और वेल्थ और मनी होता है सिर्फ 5% ऑफ द वर्ल्ड। और राइट क्वाड्रेंट में दुनिया का 5% ओनली पीपल यहाँ से बिलोंग करता है, जिसके पास मनी और वेल्थ होता है 95% ऑफ द वर्ल्ड। आप सोचिए, जस्ट एक बार सोचिए कि ये मतलब, इसीलिए जो लेफ्ट क्वाड्रेंट में है उसको हर रोज जिंदगी भर स्ट्रगलिंग करना पड़ता है, और ये लोग क्या करते हैं, लाइफ ऑफ चॉइस लेते हैं। इन लोग को लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज से ही गुजरना पड़ता है सारा लाइफ, और इन लोगों को लाइफ ऑफ चॉइस में रहता है इन लोग। तो आप एक एग्जांपल के तौर से मान लीजिए कि अगर कोई मिठाई, 5 मिठाई अगर 95 पीपल को अगर दिया जा सकता है, तो वो कैसा होगा, वो कैसे खाएगा? और अगर 5 पीपल को आप 95 मिठाई देते हैं तो वो कैसे खाएगा? जस्ट इसी बात को सोचिए। तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट क्वाड्रेंट में आपका टाइम मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसीलिए टाइम लिमिटेड होता है, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा। सेम एज आप कम टाइम देंगे तो कम मनी आएगा, मनी भी लिमिटेड होता है, और सिक्योरिटी तो होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप काम नहीं करेंगे, एम्प्लॉई हो या सेम एम्प्लॉई हो, आपका इनकम कुछ भी नहीं होगा, एकदम जीरो आ जाएगा, आपके एफर्ट के ऊपर ही आपको काम करना इनकम आता है। और राइट क्वाड्रेंट में क्या होता है, टाइम यहाँ पे बहुत मिलता है, क्योंकि टोटल टीम वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम मल्टीप्लाई होता है, मनी भी यहाँ पे बहुत मिलता है, टीम वर्क मनी भी मल्टीप्लाई होता है, और सिक्योरिटी तो 100% है, मैंने दिखाया है इन सेक्टर में कि सिक्योरिटी यहाँ पे कितना होता है राइट क्वाड्रेंट में। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मनी कम्स फ्रॉम वन वे एंड पर्सनल एफर्ट, मतलब आप जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं ये इस क्वाड्रेंट में, आपका एक ही सेक्टर से पैसा आ रहा है, आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, आप जॉब करो, एक ही सेक्टर से आ रहा है, और वो पर्सनल एफर्ट के ऊपर ही आ रहा है, वो किसी टीम एफर्ट के नहीं ऊपर नहीं आ रहा है, कि आप अगर काम करने नहीं सके तो आपका इनकम नहीं आएगा। और राइट क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपका मनी कम्स फ्रॉम मल्टीपल वे एंड टीम एफर्ट, ये बहुत सारे सेक्टर से आपका यहाँ से पैसा आता है, और यहाँ पे क्या होता है कि टीम एफर्ट होता है, क्योंकि आपका टीम के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, यहाँ पे क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन होता है। तो जो ये लेफ्ट क्वाड्रेंट के लोग, हम लोग जो हैं, हम लोग के पास एक ही रास्ता है जो राइट क्वाड्रेंट जाने के लिए, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटिंग आप सही ढंग से करते हैं, ठीक तरह से करते हैं, तो आपको 5 साल या 7 साल 10 साल में आप लेफ्ट क्वाड्रेंट से राइट क्वाड्रेंट में आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको टाइम, मनी, सिक्योरिटी सब कुछ मिलेगा, फुल पैकेज मिलेगा। ओके, तो हम लोग अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ठीक से करते हैं, और ये वीडियो अगर आप किसी के साथ शेयर करते हैं, तो आपको बिजनेस भी बढ़ेगा, और वो नहीं बोलेगा कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है।